routine, but that's about to change. I want to create a morning routine that I look up to the night before and something that makes waking up early easier. To get more control over yourself and your life, you should start by asking the question, what would my ideal self look like? And therefore, what would she do in her mornings to make the most of her days? So here's my ideal morning routine. I hope this will inspire you to create one for yourself as well. It's 5:30 a.m. and about a half hour before Fajr, so it is still possible to pray tahajjud. Step 1, make wudu and make sure it is filled with intention. The wasn't yet, but it's something that I want to incorporate in my morning routine because it is a night prayer that is offered to attain mental strength and peace, and it is said that the tahajjud is really powerful and that your heart starts to heal and that your du'as gets answered as पानी मैं इसमें लेके जाऊंगी एंड दिस इज माय लंच बर्गर है मैं आपको दिखाती हूँ इसे मैंने स्कूल के स्टेशनरी वगैरह एंड हैंड वॉश ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है और लोशन क्योंकि मेरा तो इतना ड्राइनेस हो जाती है ना चले तो हो गया एडजस्ट ड्रेस निकालना है मेरे को ये मेरे जो सारे हैं जो मैं डेली कपड़े आजकल जो है ना वो मैं ये थोड़े से रखे हुए हैं और आज जो है ना मैंने ये ड्रेस प्लान किया है पहन के जाने के लिए दिस इज़ ऑफ सफायर ड्रेस अनस्टिच था जिसको मैंने स्टिच कराया है एंड दिस इज़ माय मेकअप स्टफ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऊपर रखी हुई होती हैं बाकी मैंने इनके अंदर रखी हुई होती हैं एंड दूसरे वाले ड्रावर के अंदर मैंने ज्वेलरी रखी होती है एंड ग्लासेस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी आगे तक देख रही हैं मैं किसी दिन आपको इसका भी टूर करूँगी नीचे मेरी सारी ज्वेलरी होती है सो लेट्स गेट रेडी एंड यस आई एम गेटिंग सो लेट तो मैं आपको क्विक क्विक दिखा देती हूँ उसके बाद मेरा ये प्रोसेस होगा और यहाँ से मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है फिर उसके बाद तैयार होकर मैं आपको स्कूल मिलती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग सो लेट टुडे ओके एज आई एम गेटिंग वेरी डार्क सर्कल डिजीज तो मैं ये सही करने का आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है कि मैं आज इसको लगा लूँ मेकअप से पहले और दिस इज़ अ सन ब्लॉक जो मैंने अपने फेस पे लगाया है बिकॉज सन ब्लॉक इज़ ऑल्सो वेरी कंपल्सरी फॉर योर स्किन दिस डेज और ये जो है मेरा आज कल इतना सांस फूल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही एंड दिस इज़ मिस रोज़ की मैट जो है ये पेन स्टिक है इसको और इस दूसरे वाले को फ्लॉलेस को इन दोनों को हल्का हल्का सा लेके ना टैप टैप करके हल्का सा इन दोनों को मैं जो है ना अपनी स्किन पे लगाऊंगी देन उसके बाद जो है ये मैक्स का मैं पाउडर लगाऊंगी उसके बाद फिर कॉम्पैक्ट पाउडर है उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता लगाऊंगी I got pizza. The new hiring teachers gave a party. Oh, it's not a pizza. It's a sandwich. एंड स्कूल के बाद मैं फिर आ गई थी मॉल ऑफ मुल्तान क्योंकि वह रास्ते में पड़ता था क्योंकि मुझे मिशाइन की शॉपिंग करनी थी और यहाँ पे बहुत अच्छा स्टॉक होता है मिशाइन का फेवरेट स्टॉक यहीं पे है तो शायद मुझे कुछ जींस चाहिए थी तो मैं इसलिए यहाँ पे ये ना स्टॉक देखिए ये वाला अंदर से हल्की सी हाँ okay. nice. इसकी प्राइस क्या है Then flatter me.
हल्का सा कोई प्लीज चेक करें, इसको मुझे भेजना है। इनकी इस वाले की क्या प्राइस है? फाउंड दिस ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन लाइमलाइट। पता नहीं मुझसे क्यों ये ड्रेस मिस हो गया उस वक्त, और मैं नेक्स्ट डे इसको बाय करने के लिए गई थी, तो फिर ये जो था वो ड्रेस था ही नहीं। अगर आप लोगों को भी ये ड्रेस पसंद आ रहा है तो आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग में। एक्चुअली इट्स वॉज अ ब्यूटीफुल जंप सूट, और कॉटन के ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाला जो था वो गाउन बनाया हुआ था, एंड नीचे जो था वो जॉर्जेट में स्टफ था इसका जंप सूट था। आफ्टर डूइंग दिस मच शॉपिंग फ्रॉम शाइन, मैंने आई हैड माय हेयर कट, देन उसके बाद मेरा जो था वो जिम सेंस स्टार्ट हो गया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, क्योंकि स्कूल जाना, फिर वहाँ से शॉपिंग पे जाना, फिर उसके बाद मैंने हेयर कट भी ले लिया, उसके बाद मैंने जिम के लिए भी जाना था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा था। मैंने कुछ भी सारे दिन से खाया हुआ नहीं था, तो बस मैंने जिम घर आके मैंने जिम की तैयारी की, फिर उसके बाद मैंने रास्ते से ही शंगरीला कुजीन से मैंने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया, ताकि मैं खाली पेट जो है वो जिम में एक्सरसाइज वगैरह मैं ना करूं। और ये मेरी जिम जो है वो बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, तो मुझे कुछ कैश आउट करना था, तो फिर मैं यहाँ पे इधर ही है हमारा ATM, तो मैं यहाँ चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा ईजी यही होता है कि आप जहाँ पे जा रहे हो सेफ भी हो, बैंक जाना फिर वापस आना मुझे थोड़ा सा टफ भी लगता है। और बस मुझे जितना कैश चाहिए था यहाँ से मैंने कैश आउट कर लिया, मुझे एक्चुअली जिम में सबमिट करवाना था, तो बस कैश आउट करने के बाद मैं आपको अपनी जिम दिखाती हूँ। दिस इज़ माय ब्यूटीफुल जिम एरिया, यहाँ पे जो है हम एक्सरसाइज करते हैं। बस एक्सरसाइज करने से पहले मैं अपना डेली वेट चेक करती हूँ कि मेरा कितना लूज़ हुआ है। बहरहाल उसके बाद जो है मुझे जिम ने, मेरे इंस्ट्रक्टर थी उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपने ड्रिंक नहीं लेने, लेकिन मैं फिर भी ड्रिंक ले रही हूँ, क्योंकि ड्रिंक जो है हमारे लिए तो बहुत कंपल्सरी होती है। तो बस मैं बस और कुछ हेल्दी फूड तो नहीं था, क्योंकि मैं सारा दिन घर से मैं बाहर थी, बस मैं जंक फूड ले लिया कि कुछ तो इतनी पावर आ जाए आपके अंदर कि आप जो है वो एक्सरसाइज ईजीली कर सकें। बस मैंने अपनी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, वार्म अप मेरा स्टार्ट हो गया था, एंड फाइनली शादी को जाने की तैयारियां हो गई हैं शुरू। अब ये सारे जो ड्रॉवर्स हैं ये सब खुलेंगे, क्योंकि इतने मेसी हो गए हुए हैं, क्योंकि मैं इनको सब कुछ जो है मैं खोल के देख चुकी हुई हूँ, और चीज़ें जो न्यू आ रही थी वो मैं ऐसे इन सब में टांगती गई हूँ। और अभी कुछ चीज़ें मैंने बाहर भी निकाल के रख दी हैं, बाकी जो जो चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से भी ऑफकोर्स बहुत सारे, एंड यहाँ से भी ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लेके जानी हैं। मिलते हैं। चीज़ें लेके आई थी मैं, ये बहुत जरूरी होती हैं ये चीज़ें, ये केराटिन मास्क था, आई लैशेज थी, ये दो आई लैशेज हैं, गार्नियर का हेयर डाई कभी भी किसी भी वक्त जरूरत काम आ सकता है, एंड बोटेनिक्स का मैंने लिया था मस्कारा लिया था, और ये मैंने न्यू शेड लिया है 29 है कौन सा, हाँ ये भी बोटेनिक्स का ही है, और मेरी हेयर मेकअप रिमूवर मैंने लिया था, अच्छा एक और आई ब्रूस भी मैंने ली थी, दो मैंने ली थी। शादी पे जाना हो और आप सर्विसेज ना लें कुछ भी, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बस मैंने अम्मी को लिया, अम्मी में हम चले गए, क्योंकि इस सैलून में एक्चुअली मुझे मसाज बहुत पसंद है इनका, उनकी सर्विसेज बहुत रीज़नेबल होती हैं जो एवरीवन कैन अफोर्ड, तो मैं इसलिए इनके पास ज़्यादा जाना प्रेफर करती हूँ। तो बस हमारी यही शादी की सारी तैयारियाँ थी, कुछ मैं कभी किसी चीज़ को मैं शूट कर सकती हूँ किसी को नहीं कर सकती, बस हमारा सफ़र का आगाज़ हो गया। बाकी मेरे व्लॉग्स जो हैं वो मेरे पहले मैंने शादी की अपलोड कर दी हैं, वो आप जाके देखें, उनको लाइक करें सब्सक्राइब करें। मेरे साइलेंट व्यूवर्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।